बड़वानी बेरोजगार विरोधी आंदोलन कमेटी के सदस्य सुमेर सिंह बड़ोले का वीडियो हुआ वायरल। भाजपा और आरएसएस पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिले में 15 दिन के अंदर आकर बताने की चेतावनी देने का वीडियो वायरल होने के बाद लोकतंत्र न्यूज की टीम ने सुमेर सिंह बड़ोले और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल से की बातचीत। एक और जहां सुमेर सिंह बड़ोले ने भाजपा और आरएसएस पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा, वहीं उन्होंने दावा किया कि देश में पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। साथ ही वह कहते हैं जिस तरह बेरोजगार युवाओं से मारपीट की गई, इसे लेकर युवाओं में आक्रोश है और जिस तरह भोपाल में हमारा स्वागत हुआ है बेरोजगार युवा, अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जहाँ भी जाएंगे पहले से युवा वहाँ मौजूद रहेंगे, हम भी आपका स्वागत करेंगे और 2023 में आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में 45 सालों में भारत में 45 साल सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी की रैंकिंग है। पुलिस में उनके पीछे लाठियां लेके दो दौड़ रही थी मैदानों में, सड़कों पर 4-5 घंटे तक सड़क भगाते रहे, इस प्रकार दरिंदता की गई। बड़वानी में है क्या, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि मामा कहलवाने वाला आदमी के सरकार में ये सब होगा बेरोजगार युवाओं के साथ में। तो काफ़ी युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और अभी कहीं पर भी जाएंगे ये तो वहाँ पर युवा पहले से मौजूद रहेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया है बेरोजगार युवाओं का, सभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, तो वो भी बोले मामा बाबा हमारे, हम भी आपका स्वागत करेंगे और आपको 2023 में हम दिखाएंगे। वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का कहना है यह एक ओछी हरकत है और लाखों स्वयंसेवक पर ऐसा बयान देना यह देश के खिलाफ भी बयान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन और विकट परिस्थितियों में काम किया है। इस तरह माननीय शिवराज सिंह चौहान पर टिप्पणी करना और भाजपा संघ के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना बहुत गलत है, यह साबित करें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं और न ही ऐसे लोगों की बातों को स्वीकार करने की जरूरत है। मांग करने के साथ में किसी सरकार को और सरकार के मुखिया को और किसी देशभक्त संगठन को इस प्रकार से गंदी और भद्दी टिप्पणी देना, ये से लाखों स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं पर ओछी हरकत है जो वास्तव में देश के खिलाफ ही टिप्पणी है। रोजगार के लिए आंदोलन जरूर कर रहे हैं परंतु उसके आड़ में हमारे कांवड़ियों को कि कांवड़ यात्रा निकलती है तो कोई प्रकरण नहीं बनते, कोई आरोपित नहीं होते, जहाँ धार्मिक भावनाओं के आधार पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं उस पर आरोप लगाना, हम एक जगह रोजगार मांगने के लिए आरोप आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर आप हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो, ये कहाँ तक सत्य है? उनको चैलेंज करता हूँ कि वो साबित करें कि उनने गुंडागर्दी करी है और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को जो गुंडा कहा है, संघ गुंडा कहा है, वो साबित करें और नहीं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक हैं, जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं, इस प्रकार की गीदड़ भक्कियों से डरने वाले नहीं और इस प्रकार के चैलेंज को कोई स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री